भाई आपकी अंगूठी रह गई है। कैसी अंगूठी? ये आपकी है ना? मुझे तो लगता है ये आपकी शादी की अंगूठी है। शुक्रिया। तुम्हारे हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपने चाहिए मीरान। इंसाफ तभी होगा। इस अंगूठी को हमेशा अपने दिल के पास रखना ताकि तुम्हें अपनी माँ का इंतकाम लेना याद रहे। याद रखना कि तुम्हारा जहन अपने मकसद से कहीं ना भटके। डर क्यों रही हो बेटी? आओ अंदर आ जाओ। आओ घबराओ नहीं। बैठ जाओ वहां पर। ये लो बेटी पी लो। किस्मत की किताब में तीन चीजें लिखी होती हैं बेटा। एक तो ये कि कब पैदा होना है, किससे शादी होनी है और कब मरना है। कुदरत के इंसाफ का इंतजार करो तुम। फिक्र मत करो, अगर किसी के साथ कोई जुल्म या ज्यादती होती है तो यहां पर एक पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन उधर अर्श हिल जाता है बेटी। लेकिन किसी मजलूम की दिल से जब आह निकलती है ना तो वो सीधी अल्लाह तक जाती है। मैं बहुत बेबस हो गई हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं अब। हाँ जानता हूँ मैं, लेकिन थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाओ, थोड़ा आराम करो और अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। और मेरी बात गौर से सुनो, ऐसी हालत में बाहर मत निकलना, ठीक है बेटा? और देखो मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। Hmm.
सारा घर जलकर खाक हो गया, अल्लाह करे कोई अंदर ना रह गया हो। यहाँ किसने लगाई? पता नहीं हम लोगों को, हम खुद हैरान है यहाँ कैसे लग गई। कहीं कोई अंदर था तो नहीं? पता नहीं भाई, कोई कह रहा है था और कोई कह रहा है नहीं था, अल्लाह ही बेहतर जानता है। ऐसी आग जिसने सारा घर खाक कर दिया, तो इस घर में मौजूद कोई भी जिंदा कैसे बच सकता है? ओह मेरे खुदा, अब मैं क्या जवाब दूंगा मीरान को? काश पहले पहुंच जाता। खुशामदीद, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया बहू। खुशामदीद। आज का दिन मेरी पोती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ मेरी बच्ची, आज से मीरा तुम्हारा है। जाओ तैयार हो जाओ। शुक्रिया दादी जान। गोनल अल्लाह करे हमेशा खुश रहो तुम। खैरात बांट दी है तुमने? जी बांट दी है, और कुर्बानी के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा सही है। रियान, तुम्हें किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, ना ही तुम्हें खुद से दूर करूंगा। मैं तुमसे हमेशा मोहब्बत करूंगा। वैसे भी जब तुम मेरे पास हो तो डर किस बात का?
कोई भी मुझे तकलीफ नहीं दे सकता। नहीं नहीं, मैंने अपना बदला ले लिया। किसी ने भी मेरी मां पर उस वक्त तरस नहीं खाया था, मुझ पर भी तरस नहीं खाया, मैं भी किसी पर तरस नहीं खाऊंगा।